हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको खिली खिली राइस कैसे कुकर में 2 मिनट में तैयार करते हैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 1 कप राइस लिए हैं। इसको मैंने 2-3 बार अच्छे से पानी में धोकर 10 से 15 मिनट, यानी कि आप आधे घंटे से के लिए भी रख सकते हैं। कम से कम आप आधे घंटे के लिए पानी में घलाकर इन राइस को रखें ताकि ये बाद में अच्छे पककर तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने इन्हें आधे घंटे के लिए पानी में घलाकर रख दिया था। अब इन्हें कुकर में पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए पानी को आप स्ट्रेन आउट कर दें और जो राइस है उन्हें हम कुकर में ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे राइस को मैंने कुकर में ले लिया है। अब फ्रेंड्स, मैं इन राइस के अकॉर्डिंग, जैसे 1 कप राइस लिया था तो इसमें 1.25 कप या फिर 1.5 कप के करीब हम इसमें पानी मिलाएंगे। अगर आप पुलाव बना रही हैं तो इसमें 1.25 कप के करीब पानी डालें, और बाकी काम के लिए अगर आप राइस बना रही है तो आप इसमें 1.5 कप के करीब पानी डाल सकती है। इसके साथ ही मैंने इसमें नमक मिलाया है। नमक से इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है राइस का, और राइस भी अच्छे से पककर तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें हिलाकर अच्छे से हिला लें, फिर इसका ढक्कन लगाकर हम इसे सीटी आने के लिए, 1 सीटी इसकी लेने के लिए इसे रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी 1 सीटी लेनी है हाई फ्लेम पे, और 1 सीटी आने के बाद फ्रेंड्स इसे ऐसे ही रखे रहने देंगे, सारी स्टीम बाहर निकलने देंगे। सारी स्टीम अच्छे से रिलीज़ हो जाएगी कुकर की, कुकर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही कुकर को खोलकर देखेंगे। पहले से कुकर को खोलकर नहीं देखना है। तो फ्रेंड्स, कुकर बिल्कुल सीटी रिलीज़ हो चुकी है। अब हमारे राइस को चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, राइस एकदम पककर तैयार है, खिले खिले राइस बने हैं। मैं आपको हिलाकर दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, ये अभी गर्म है, जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे ये और भी खिले खिले अलग से हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राइस कुकर में एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये राइस एकदम परफेक्ट बने हैं। इन्हें आप पुलाव के लिए अच्छे से काम में ले सकते हैं, इससे पुलाव बिल्कुल खिला खिला बनता है। ये अभी गर्म है, ये जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे वैसे ही ये अच्छे से खिलकर तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी परफेक्ट राइस कुकर में 5 मिनट में तैयार कर सकती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बाय फ्रेंड्स।